राप्ती नदी माई बहत अड़ेली। ऐसा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत हो। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए हरार महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, पूज्य महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए, उत्तर प्रदेश के देवतारण, पूर्वांचल के देवतारण, सड़क से लेके हर चीज, क्योंकि एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। जोन जोन हम राज्य में जाएगा सब हमके का कहालन मालूम हो, मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूं, मैं हर भाषा में काम करता हूं, आपको पता है हमको सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना। अरे हम बोले महाराज जी के कितना रूप में कितना उनका, भाई एक ही महाराज जी है ना, हर राज्य में कैसे मुख्यमंत्री रहे। हम बोले हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी बा हो, कहे कि सब लोग, बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पे चल गए, कुछ लोगों का सब कुछ समझ गए कितना शांति चल रहा है, देख नहीं रहे हो उत्तर प्रदेश में कितना कानून शांति, माफिया लोग पाताल में चले गए, नेपाल चले गए, ऊपर चले गए, बच्चे लोगों की पढ़ाई, फिल्म सिटी, रोजगार, हर चौमुख हर तरीके से आप सोचिए। और महाराज जी करते हैं, हम सोचिला कि आज हम एक चिट्ठी लिखी महाराज जी के, मालूम पड़ा अखबार में वो आ जाला कि अब ये महाराज जी ये भी बना रहे हैं। हम सोचत रहे कि ये सड़किया बोलब तब ले आ जाए, हम बोले आज पार्लियामेंट में आज ये बोलूंगा, ये ब्रिज खातिर बोलब महाराज जी, वो सब। तो जब 24 घंटा महाराज जी आप लोगों के लिए दे दिए हैं तो आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने भी महाराज जी पे भरोसा रखा, तो महाराज जी के जो भरोसा